आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन द क्लाउड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाई वी नीड सिक्योरिटी। हमने इससे पहले डिस्कस किया है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट को, और आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन क्लाउड। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेफिनेटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी इन क्लाउड, वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट टेल्स अस अबाउट द कंट्रोल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इम्प्लीमेंट टू इंश्योर दैट इट इज सेंसिबली प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ एसेट्स फ्रॉम थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। तो ये जो ट्राइएड है, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी का, ये क्लाउड पे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसेस में डेटा या इंफॉर्मेशन हो, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई डेटा या इंफॉर्मेशन लॉस होता है तो उससे कितना बड़ा नुकसान होगा। इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द असेसमेंट ऑफ द रिस्क एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डील विथ इन द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स एज वेल एज द डिसेमिनेशन ऑफ द रिस्क टू ऑल अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स। तो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, या इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है या ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है, तो कोई भी उसमें डेटा या इंफॉर्मेशन लॉस होता है तो उससे क्या लॉस होगा, इसकी एक प्रॉपर असेसमेंट रिक्वायर्ड होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। दिस रिक्वायर्स प्रॉपर एसेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन स्टेप्स, इंक्लूडिंग एवेल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड रिप्लेसमेंट्स ऑफ एसेट्स। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये भी इंश्योर किया जाता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ें एसेट्स हैं, चाहे वो कोई डेटा हो, चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन हो, तो वो एसेट हैं। और अगर वो एसेट हैं तो उनकी इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या वैल्यू है। तो इन सब को इंश्योर करने के लिए वी हैव डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि आईएसओ या आईईसी 27001, आईएसओ आईईसी 27002 एंड आईएसओ आईईसी 27035 स्टैंडर्ड्स में डिफाइन। तो हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स को, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन क्लाउड कैसे होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट क्या है, एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी पैच एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो क्लाउड में है वो कैसे हो सकती है। सबसे पहले सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो क्लाउड के ऊपर इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि क्लाउड में जो डेटा और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वो मेंटेन रहे। इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आईटिल है, आईटीआईएल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ये बेस्ट नॉन प्रैक्टिसेस हैं। जो कि इसके अलावा आईएसओ 27001, 27002 और अब 27035 ये स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं और जो वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं जो सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे, इन सब को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है फॉर सिक्योरिटी इन द क्लाउड। ऑन एवरेज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग 1427 डिस्टिंक्ट
cloud applications, most of which are software as a service. Applications such as Microsoft Office 365, Box, and many other productivity applications that employees sign up for, often without IT approval. For SaaS applications, it is widely understood that as a customer, you are responsible for the security of your data and who can access it. तो क्लाउड के ऊपर जब भी हम बात करते हैं तो ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बल्कि ऐसे इंडिविजुअल लाइक स्टूडेंट्स हैं या कोई आम लेमैन पर्सन है वो भी जब डेटा यूज़ करता है क्लाउड के ऊपर लाइक हम जीमेल यूज़ करते हैं, हम जूम यूज़ करते हैं या फिर गूगल डॉक्स को यूज़ करते हैं, ऑफिस 365 को यूज़ करते हैं, तो ये सारी क्लाउड एप्लीकेशंस हैं। तो ये एक मॉडल है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है कि इसमें कौन कौन सी जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टूवर्ड्स कस्टमर है और कौन सी जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टूवर्ड्स क्लाउड प्रोवाइडर है। तो ऑन प्रिमिसेस की अगर बात करें लाइक इफ यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एट योर प्रिमिसेस देन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टूवर्ड्स कस्टमर like user access, data applications, operating system, network traffic, hypervisor, infrastructure, physical. तो ये जितनी भी security related responsibilities हैं जब आपके पास अपना IT infrastructure है तो ये सारी responsibilities आपकी अपनी हैं। लेकिन जब आप shared infrastructure या cloud के ऊपर जाते हैं like IaaS, infrastructure as a service के ऊपर, तो वहाँ पे यूज़र एक्सेस, डेटा, एप्लीकेशंस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमारे पास जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है इसमें जो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूज़र एक्सेस लाइक यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द क्रेडेंशियल लाइक यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटा, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ट्रैफिक, ये जितना भी पोर्शन है ये कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें जो क्लाउड है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाइपरवाइजर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल हार्डवेयर जो है। तो इसलिए IaaS में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर्ड है, लाइक मोस्ट ऑफ द पोर्शन गोज टूवर्ड्स कस्टमर। लेकिन पास में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में यूज़र एक्सेस, डेटा और एप्लीकेशन ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ट्रैफिक, हाइपरवाइजर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल हार्डवेयर जो है ये क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जो ज़्यादातर पोर्शन है वो टूवर्ड्स क्लाउड प्रोवाइडर है। क्लाउड प्रोवाइडर इसमें एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ट्रैफिक, हाइपरवाइजर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इवन जो फिजिकल हार्डवेयर है इन सब की जो सिक्योरिटी है वो टूवर्ड्स क्लाउड प्रोवाइडर है। लेकिन यूज़र एक्सेस और डेटा मैनेजमेंट, डेटा की जो सिक्योरिटी है वो टूवर्ड्स कस्टमर। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमारे पास जो ज्यादातर सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टूवर्ड्स क्लाउड प्रोवाइडर है। इसमें एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ट्रैफिक, हाइपरवाइजर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल ये जितना भी पोर्शन है ये टूवर्ड्स क्लाउड प्रोवाइडर है। और जबकि यूजर के पास इसमें या कस्टमर के पास यूजर एक्सेस और डेटा मैनेजमेंट जो है या डेटा एक्सेस है या डेटा की सिक्योरिटी है ये टूवर्ड्स कस्टमर है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्लाउड में करने के लिए जो डिफरेंट
स्टैंडर्ड्स हैं, ये डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो ITIL है या ISIO है और ISO है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट से मुराद ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, लाइक अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, पैच मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिस्पांस, सिस्टम यूज एंड एक्सेस मॉनिटरिंग। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए वी हैव टू इंश्योर ऑल दीज पैरामीटर्स। लाइक ITIL अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट से क्या मुराद है, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट इन क्लाउड से क्या मुराद है, इसका मतलब है कि वी हैव टू एनालाइज, प्लान, मेजर एंड इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ IT सर्विसेज। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल IT इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, टूल्स, रोल्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द एग्रीड अवेलेबिलिटी टारगेट्स। दिस इज पार्ट ऑफ सर्विस डिज़ाइन। व्हेन यू आर ऑफरिंग सम सर्विस टू कस्टमर, देन इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस इज अ पार्ट ऑफ सर्विस डिज़ाइन, कि कितना एक्सेस टाइम या कितनी सर्विस अवेलेबिलिटी होगी कस्टमर के लिए, 99.99 होगी, 99.98 होगी या 99.97 होगी। तो इस अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा जो एक्सेस कंट्रोल है या एक्सेस मैनेजमेंट है, इसका मतलब है कि हम ऑथोराइज यूज़र को सिर्फ परमिशन दें तो कौन सी सर्विस वो यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो अनऑथोराइज यूज़र्स हैं उनको प्रिवेंट करें फ्रॉम एक्सेस टू द सर्विस। इसको राइट मैनेजमेंट भी कहते हैं या आइडेंटिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। तो अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट से हम डिस्कस किया कि हमारे पास कि हम वी हैव टू इंश्योर दैट कि जितने भी जो भी IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोसेसेस हैं, टूल्स हैं या रोल्स हैं, दे आर अप्रोप्रिएट फॉर द एग्रीड अवेलेबिलिटी टारगेट्स। नेक्स्ट है SaaS अवेलेबिलिटी। इसमें जो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि कस्टमर के पास जो भी SLA है और जो कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, दे ही शुड नो दोस टर्म्स। लाइक अगर एक क्लाउड प्रोवाइडर ने एक सर्विस दी है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो जो उसमें रिटर्न अवेलेबिलिटी है, उसका जो सर्विस टाइम है, उसमें जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के स्टैंडर्ड्स जो भी मेंशन है, कस्टमर मस्ट अंडरस्टैंड दोज टर्म्स एंड कंडीशंस। और अगर कोई उसमें अवेलेबिलिटी में इशू होता है, तो अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड मेथड्स इन SLA ही मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द प्रोवाइडर। और इसमें SaaS हेल्थ मॉनिटरिंग भी है कि जो सर्विस अप एंड रनिंग है उसकी क्या क्वालिटी है। लाइक इफ़ यू आर यूजिंग Zoom, तो उसमें वॉइस क्वालिटी क्या है, उसमें अगर कोई डेटा शेयर हो रहा है तो वो कितनी स्पीड पे हो रहा है। तो दिस इज SaaS हेल्थ मॉनिटरिंग विच शुड बी अवेलेबल, और उससे किसी भी सर्विस को देखा जा सकता है कि उसकी अवेलेबिलिटी लेवल क्या है। नेक्स्ट है PaaS अवेलेबिलिटी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस अवेलेबिलिटी। इसमें भी जो पोर्शन है हमने डिस्कस किए लास्ट डायग्राम में, कि PaaS में हमारे पास जो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूज़र एक्सेस, डेटा और एप्लीकेशंस हैं, जबकि प्रोवाइडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ट्रैफिक, हाइपरवाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल जो हार्डवेयर है उसकी अवेलेबिलिटी। दिस इज़ द पार्ट एट क्लाउड प्रोवाइडर। नेक्स्ट है IaaS अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें भी दो पोर्शन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसमें जो
हेल्थ मॉनिटरिंग है, दिस इज टूवर्ड्स जो क्लाउड है, लाइक हाइपरवाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये क्लाउड प्रोवाइडर होगा जो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और जो यूजर एक्सेस डेटा एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ट्रैफिक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कस्टमर होगी। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट इन द क्लाउड। इट मीन्स हु शुड हैव एक्सेस एंड व्हाई, हाउ इज रिसोर्सेज एक्सेस्ड, हाउ इज द एक्सेस मॉनिटर्ड, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल ऑफ SaaS, PaaS एंड IaaS। तो एक्सेस में ये इंश्योर किया जाता है कि कौन सा यूजर कौन से रिसोर्सेज पे एक्सेस रखता है और क्यों रखता है, मतलब देयर मस्ट बी जस्टिफिकेशन कि अगर एक गेस्ट यूज़र है और उसको ये गेस्ट यूज़र के राइट्स हैं तो वो किस वजह से हैं, अगर कोई पावर यूज़र है अगर या कोई एडमिन है तो उनको जो राइट्स हैं किस बेस के ऊपर हैं, एक्चुअली आर दे आर रियली ऑथोराइज टू यूज़ दो सर्विसेज आर नॉट, तो दीज थिंग्स शुड बी जस्टिफाइड। नेक्स्ट है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी पैच एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। वल्नरेबिलिटी से मुराद ये है कि इफ देयर इज एनी ब्रीच, अगर कोई सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म है वो ब्रीच होता है तो क्या हमारे पास मेजर्स हैं, और उसको पैच अगर कोई अपडेट आता है, कोई सिक्योरिटी अपडेट है या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, इसके लिए डिफरेंट सिनेरियोस होते हैं। बाज़कात वी हैव अ स्टैंड अलोन अपडेट सर्वर जो एक सेंट्रली जितने भी अपडेट्स हैं उनको लेता है और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि हर क्लाइंट जो है वो अपना जो पैच है वो डाउनलोड करता है और उसको फिर इंस्टॉल करता है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी सेंट्रलाइज्ड हो सकती है या डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती है, तो ये अकाउंट क्लाउड के ऊपर कैसे होगी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ VPS ऑन SaaS, PaaS एंड IaaS। वी हैव वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, लाइक वी कैन प्रायोरिटाइज रीमीडिएट, here we can prioritize and remediate if there are any vulnerabilities, if we have discovered any threats or any vulnerability in the infrastructure then that organization should be prepare, discover, analyze and report if there is any vulnerability in the system. नेक्स्ट है प्राइवेसी। नेक्स्ट इज प्राइवेसी, प्राइवेसी एंड डेटा लाइफ साइकिल। द डेटा लाइफ साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस दैट अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ डेटा गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इनिशियल जनरेशन आर कैप्चर टू इट्स एवेंचुअल आर्काइवल एंड आर डिलीशन एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। In active use, in this phase, data is used to support the organization's objectives and operations. What is data lifecycle means? If we are processing any data, we will generate information from that data, and information will be used to achieve some objectives of the organization. And after that, some portion of data will be deleted or archived. तो ये पूरा एक डेटा लाइफ साइकिल है जिसमें डेटा कलेक्शन से लेके इंफॉर्मेशन जनरेशन के बाद डेटा डिलीशन या डेटा आर्काइव है, तो उसमें क्या क्या सिक्योरिटी, किस लेवल के ऊपर सिक्योरिटी इन्वॉल्व होगी उसको इंश्योर करना भी, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑन क्लाउड। द फॉरमोस्ट इशू इन क्लाउड डेटा सिक्योरिटी इंक्लूड डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा लोकेशन and secure transmission. The security challenges in the cloud include
threats, data loss, service disruption, outside malicious attacks and multi-tenancy issues. So privacy mein there is also responsibility sharing. Who is responsible for privacy and at what level? Privacy risk management and compliance on the cloud. कि जो प्राइवेसी है उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैसे मेंटेन रखा जाए. देन वी हैव लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्राइवेसी. प्राइवेसी इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू डेटा सब्जेक्ट्स एज वेल एज द ट्रांसपेरेंसी टू एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिस अराउंड पर्सनल इंफॉर्मेशन. एज वी हैव डिस्कस्ड डेटा लाइफ साइकिल इज जनरेशन यूज ट्रांसफर ट्रांसफॉर्मेशन storage, archival, destruction. This is the data life cycle where we can generate, use, transfer, transformation, storage, archival and destruction. So ye sare steps hain jo ek data jab generate hota hai wahan se leke destruction tak isme involve hote hain. To kis level pe kya privacy required hai uske liye standards define hone chahiye. Then there is legal and regulatory requirements. There are certain standards and organizations who ensure regulatories and regulations on cloud computing, like US regulations. If we consider, there are Federal Rule of Civil Procedure, US Patriot Act, Electronic Communication Privacy, ECP Act, ECPA jisko kaha jata hai, FISMA, GLBA, HIPAA, High Tech Act. इंटरनेशनल रेगुलेशंस की बात करें तो इसमें यूरोपियन डायरेक्टिव्स है, APEC प्राइवेसी फ्रेमवर्क है. तो ये लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैच करनी चाहिए. और जो भी डेटा या कोई प्राइवेसी या कोई डेटा लाइफ साइकिल स्टैंडर्ड अगर डिफाइन हो तो अकॉर्डिंग टू दीज स्टैंडर्ड्स उनको डिफाइन होना चाहिए. तो इसमें जो क्लाउड कंप्लायंस है, क्लाउड कंप्लायंस इज द प्रिंसिपल दैट क्लाउड डिलीवर्ड सिस्टम मस्ट बी कंप्लायंट विद द स्टैंडर्ड्स देयर कस्टमर रिक्वायर. इफ अ कस्टमर इज इन US देन ही मस्ट बी अबाइड बाय US रेगुलेशंस. इफ ही और शी इज इन यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही कैन डिमांड कंप्लायंस विद यूरोपियन डायरेक्टिव, APEC private framework or any other directive or any other regulation, like in our case PTA is a regulatory authority. So according to the PTA policies we have to comply. Cloud compliance ensures that cloud computing services meet compliance requirements. The ECPA has amended protects wire, oral and electronic communication while those communication are being made are in transit and when they are stored on computers. The act applies to email, telephone conversations and data stored electronically, civil rights and civil liberties. ये जितने भी civil rights हैं या civil liberties हैं, all they should be complies with the regulatory requirements that a customer must meet. Then we have audit and compliance on cloud. Cloud and compliance are vital. Cloud audits and compliance are vital. Audit and compliance refer to all the internal and external processes that an organization implements in order to identify compliance requirements such as corporate policies and standards, laws and regulation, as well as customer service level agreement. We have audit and compliance like internal policy compliance of the organization. If any organization is applying its internal policy, then cloud must comply according to that policy of that organization. Then there is governance, risk and compliance, GRC, control objectives,
regulatory external compliance, as we have discussed, we need to comply with certain regulatories and directives. Cloud Security Alliance, we have a Cloud Security Alliance to ensure audit and compliance. And all these features must comply with the regulations and laws of the organization and the regulatory region of that particular organization. As we have discussed, there is regulatory external compliance. There are certain standards an organization must need to comply, like Sarbanes-Oxley Act, PCI DSS, HIPAA, COBIT. हम इसमें से देखते हैं कि like regulatory compliance is when a company obeys the laws, regulations, guidelines and specifications that pertains to its business. तो ये different guidelines हैं, standards हैं. तो जब भी cloud के ऊपर कोई organization आएगी तो इन laws को, इन standards को comply करना must है. तो इसमें जो हमने कुछ examples को जिस तरह discuss किया, Sarbanes-Oxley Act, SOX of 2002. इसके अलावा cloud compliance is the principle that cloud delivered system must be compliant with the standard their customer requires. Cloud compliance ensure that cloud computing services meet compliance requirement as defined by these external regulatory authorities. Next is audit for compliance. As we have discussed, all the services must comply with the external and regulatory authorities. Then there are ways to ensure that all the internal, external compliance have been met. And how we can do that? We can use certain standard to audit the cloud service. Like we have audit framework SOS 7.0 provides guidance to enable an independent auditor, like any auditor and organization hires to audit the services of cloud. So SOS number 7.0 provides guidance to enable an independent auditor, service auditor, to issue an opinion on a service organization's description of control through a service auditor's report. SOS 70 does not specify a predetermined set of control objective or control activities that service organization must achieve. Service auditors are required to follow the AICPA's standard for fieldwork, quality control and reporting. A SOS 7.0 audit is not a checklist audit. तो इस SOS 7.0 जो है वो audit करता है service का, और इसमें इसका ये objective नहीं है क्योंकि certain control जो है उस organization के ऊपर apply किया जाए, बल्कि SOS number 7.0 ensure करता है कि इसमें जो AICPA का standard है field work के लिए उसके साथ वो service comply करती है. इसी तरह SIS trust जो है एक अश्योरेंस सर्विस है जो लाइसेंस CPA या CA जो है यूज करते हैं टू इंडिपेंडेंटली टेस्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस सिस्टम एंड टू ऑफर अश्योरेंस ऑन द सिस्टम्स रिलायबिलिटी. तो सिस ट्रस्ट एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए कोई भी अकाउंट जो ऑडिटर है वो इंश्योर करता है कि जो उसकी रिलायबिलिटी है सिस्टम की या सर्विस की वो कितनी है. फिर देन वी हैव अ वेब ट्रस्ट, ये भी एक अश्योरेंस सर्विस है जिसको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स और कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने डेवलप किया, ये भी एक अश्योरेंस है. इसी तरह ISO 27001 सर्टिफिकेशन, it demonstrates that your organization has invested in the people, processes and technology.